दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है और वो इतनी बड़ी अपडेट है और इतनी अच्छी खबर है कि पूरे अंगवासियों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने के लिए जा रहा है। ख़ास करके योग नगरी मुंगेर को बहुत ही बड़ा अपडेट मिल चुका है 2021 में, जो जिससे कि मुंगेरवासी बहुत सालों से डिमांड कर रहे थे वो अब पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। तो जो पूरी रिपोर्ट है दैनिक जागरण की वो मैं अभी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नए साल पर योग नगरी मुंगेर को मिला राजधानी का तोहफा। तो ये है पूरी खबर। योग नगरी मुंगेर जिले के यात्री भी देश की महत्वपूर्ण ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से सफ़र कर सकेंगे। रेलवे ने नए साल पर मुंगेर को नई राजधानी एक्सप्रेस का तोहफा दिया है। बोर्ड और मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद नए रूट पर अंतरिम मुहर लग गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, सिर्फ टाइम टेबल बनाना बाकी है। राजधानी एक्सप्रेस नए रूट मुंगेर जमालपुर क्यूल पटना के रास्ते साप्ताहिक आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली तक जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आनंद विहार टर्मिनल से लेकर कि यह ट्रेन अगरतला तक जाती है, यह नई दिल्ली नहीं जाती है। यह इस रूट की पहली राजधानी ट्रेन होगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 20501 अप अगरतला आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस सोमवार को अगरतला से चलेगी और बुधवार दोपहर को आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 20502 डाउन बुधवार को आनंद विहार टर्मिनल से खुलेगी और शुक्रवार को अगरतला पहुंचेगी। तो दोस्तों अब हम लोग इसका कारण जानते हैं कि रेलवे ने इतना बड़ा तोहफा क्यों दिया है जमालपुर को, जबकि जमालपुर उतना बड़ा शहर भी नहीं है। भागलपुर को मिलना चाहिए था उस अनुसार से तो, लेकिन इसका कारण है इर्मी और रेल कारखाना होने का मिला फ़ायदा। देखिए इसका कारण ये है कि इर्मी और रेल कारखाना पूरे एशिया का सबसे पुराना जो है वो जमालपुर में है, इसीलिए अभी तक इस सेक्शन पर राजधानी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन के परिचालन की शुरुआत नहीं हुई थी। यह ट्रेन योग नगरी के लोगों के लिए किसी खास तोहफे से कम नहीं होगी। मुंगेर जिले के जमालपुर में भारतीय रेल के यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान इर्मी और एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना भी है, आप सोच लें। इसी कारण रेलवे ने मुंगेर को काफ़ी महत्व दिया है। अब बात करते हैं भागलपुर वासियों के लिए, तो भागलपुर वासियों के लिए सपना नहीं हुआ पूर्व। भागलपुर से भी नई दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलाने की मांग कई वर्षों से उठती रही है। यहां से डिब्रूगढ़ और सियालदह राजधानी चलाने को लेकर जनप्रतिनिधियों और यात्री संघ की ओर से कई बार पत्राचार भी हुआ है। भागलपुर को हर बार आश्वासन मिलता रहा, लेकिन अभी तक भागलपुर से राजधानी एक्सप्रेस के परिचालन की शुरुआत नहीं हो सकी। अब भागलपुर के लोगों को राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र करने के लिए जमालपुर जाना होगा। अब हम लोग रूट की बात कर लेते हैं कि इसका जो समय सारणी है उसमें कौन कौन से रूट चलेगी। तो राजधानी एक्सप्रेस अगरतला से चलने के बाद गुवाहाटी, कामाख्या, रंगिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, जमालपुर, क्यूल, पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल पहुँचेगी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि मैंने आपको बताई कि मुंगेर को नए साल 2021 में बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने के लिए जा रहा है। योग नगरी मुंगेर को अगरतला आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस का फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग इस खबर से ज़रूर कुछ न कुछ नया जानने को मिला होगा। ठीक है, जय हिंद।